कभी दुदा कभी दुदा आइए चाटी बोलिए। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ छवि अपने टेंट के अंदर है, सो रही है। छवि किधर हो? टेंट के अंदर कैमरा लेके घुस गई। देखो छवि को डांट पड़ी है, तो छवि आके अपने टेंट में सो गई है। देखो चलो अंदर से दिखाते हैं। भाई क्या हुआ छवि, क्या हुआ, गुस्सा हो गई क्या? नींद नहीं आ रहा, नींद होने के बहाने चल रहे हैं यहाँ पे। तो छवि यहाँ पे छवि को पड़ी है डांट छवि की गंदी हरकतों की वजह से, और छवि यहाँ पे आके फिर सो गई है टेंट में। देखो पूरा टेंट ही अपना हिलाते जा रही लड़की, बाहर पैर बाहर आ गया इसका। तो देखिए यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 8, और मैं अभी बनाने जा रही हूँ पकौड़ी, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख आ गई है। तो अभी कोई बाहर से लाने वाला नहीं है, तो सोचा चलो फटाफट पकौड़ी बना लेते। तो यहाँ पर देखिए बेसन हमारा तैयार है, और इधर तेल एकदम खौल चुका है, बिल्कुल धुआं आ रहा है। और यहाँ पे मैंने चाय रखा, जिसमें अभी चीनी और चायपत्ती डालनी बाकी है। तो अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और तो मैंने सोचा कि मैं कहना क्या कुछ नहीं, देखो ये लड़की ना तेल में कुछ नहीं की गलती तो मान ही गया है। हाँ ठीक है, तो क्या कहाँ पे थी यार? हाँ तो मुझे भूख लग गया, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैं अभी जा रही हूँ बनाने आलू की पकौड़ी और चाय, उसको एंजॉय करूँगी। और ये लोग भी खाओगे पकौड़ी? क्यों नहीं खाएंगे, पापा से बोले भेजने के लिए, पर अभी कोई लाने के लिए किसी को टाइम नहीं है बाहर से, तो सोचा चलो फटाफट घर पे बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको दिखाए हैं मेरी कढ़ाई बिल्कुल जल जल के खोल खोल के धुआं ऊपर आ गया, और चाय भी बिल्कुल उबल चुकी है, और मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ डालने में इसको। तो मेरी चाय में थोड़ी सी चीनी जाती है, बहुत थोड़ी सी, बहुत मीठा नहीं पीती हूँ, सॉरी मतलब बहुत कम मीठा पीती हूँ, इसलिए इसका मैं आप वही पहले ही बोलती, मैं ज्यादा मीठा नहीं पीती हूँ, फिर आप बोलो नहीं नहीं मैं प्यार दे रही लेती। मेरे मतलब यह है कि मैं आजकल क्या बोल रहे हैं यार, पता नहीं मेरे वीडियो में क्या होने वाला। तो मैं बहुत कम मीठा चाय पीना पसंद करती हूँ, पहले पी लेती थी, पर 2 साल से मुझे पता नहीं क्या हो गया, अगर जरा सा भी चाय में मिठास आ जाए मतलब, तो अब मुझे मीठा नहीं ज़्यादा पसंद आता चाय में, तो मैं बहुत कम मीठा चाय पीती हूँ, एकदम नॉर्मल जितना होना चाहिए। और यहाँ पे खाली आलू की पकौड़ी बन रही है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मुझे और कुछ करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चाय पक गया था, तो यहाँ पे हमारा चाय भी हो चुका है, अब चाय हमारी पक के थोड़ी सी कम हो गई है, मेरी पकौड़ी होने में 2 मिनट लगेगा, मैं बाकी पकौड़ियाँ और बाद में छानूंगी, पहले मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं चाय को भी ढक देती हूँ, चाय भी ठंडा हो जाएगा। छान लेते हैं, मैंने पीसा और मिक्सर में भी रखा खा हुआ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंगो की चटनी, तो देखिए मेरी पकौड़ियाँ भी एकदम ब्राउन ब्राउन हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। अभी एक और चिप्स डाल के जाते हैं। जा रही हूँ चाय लेके, क्योंकि मेरा चाय ठंडा हो रहा है, उसके बाद क्या होता है कि बाकी मैं देखती रहूँगी बीच में आके। तुम लोगों को खाना अभी पकौड़ी कड़ी हम लोग को गर्म खाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग छानते रह जाते किचन में। तो चलिए चलते हैं अपनी पकौड़ी लेके। तो यहाँ रहा हमारा चाय और ये रहा पकौड़ी, आप भी खा लीजिए।
टेस्ट करके बता दीजिएगा कैसा होना है। सॉरी मजाक, मुझे पता नहीं क्यों अचानक से इतना ज्यादा भूख लग गया। अचानक से आपने वीडियो में देखा होगा मैंने कितना जल्दी लिख करके फिर छान के आके मेरे खाने लगी। मुझे भूख बहुत तेज था, बताए कभी कभी खाना भी मैंने दोपहर में अच्छे से खाया था फिर भी। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पार्थी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो अचानक से रात के 9 बजे में आ चुकी मार्केट, मुझे कुछ ड्रेस लेने थे शादी के हिसाब से, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। साइज़ की इशू थी तो फिर आगे देखेंगे। फिलहाल मैंने कुछ चीज़ें ली हैं डेली यूज के लिए, तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी। मार्केट जैसा कि मैंने बताया आपसे, और मैं अभी आ चुकी हूँ घर, और बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो जो सोच के गई थी लेने के लिए वो मेरे हिसाब से नहीं मिल पाया, साइज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिलहाल जो चीज़ें ली हैं मैंने, कुछ चीज़ें ली हैं, तो मैंने क्या लिया है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।